क्या यूपी में छोटे दलों से गठबंधन करने के मूड में है कांग्रेस? क्या कांग्रेस शिवपाल के बीच गठबंधन को लेकर पक रही है खिचड़ी? कांग्रेस महासचिव की जिम्मेदारी संभालने के बाद यूपी कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी प्रियंका गांधी भले ही किसी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार कर रही हो, लेकिन पर्दे के पीछे छोटे दलों के साथ गठजोड़ की संभावना भी तलाशी जा रही है। महान दल के साथ गठबंधन के ऐलान के बाद शिवपाल यादव की पार्टी को साथ लेने पर भी मंथन का दौर जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में चुनाव पूर्व गठबंधन को लेकर कांग्रेस लगातार शिवपाल यादव के संपर्क में है। खबर है कि इस बाबत प्रियंका गांधी के एक दूत ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल यादव से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और शिवपाल के बीच बातचीत अभी दूसरे दौर में है। बताया जा रहा है कि प्रियंका के लखनऊ दौरे के आखिरी दिन एक राउंड की और बातचीत होगी। सब कुछ तय होने के बाद प्रियंका और शिवपाल से मुलाकात हो सकती है। इतना ही नहीं, खबर तो यहाँ तक है कि कांग्रेस नेता पीएल पुनिया भी शिवपाल यादव के संपर्क में है। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों शिवपाल और कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह की एक फोटो वायरल हो रही है। फोटो लखनऊ की है जिसमें दोनों नेता एक निजी कार्यक्रम में गुफ्तगू करते नजर आ रहे हैं। इन फोटो के सामने आने के बाद से ही इन चर्चाओं को बल मिल रहा है कि शिवपाल और कांग्रेस के बीच गठबंधन की खिचड़ी पक रही है। इतना ही नहीं, गठबंधन को लेकर जारी इस फुसफुसाहट का खंडन न तो कांग्रेस की तरफ से किया गया और न ही शिवपाल यादव की तरफ से। सब कुछ तय होने के बाद ही प्रियंका और शिवपाल के बीच मुलाकात होगी और फिर आगे की रणनीति बनेगी। उधर कहा जा रहा है कि शिवपाल भी अंदर ही अंदर कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं। ये बात वो सार्वजनिक मंच से कई बार कह चुके हैं कि वे कांग्रेस से गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस की रणनीति ये भी है कि वो एनडीए से नाराज और एसपी-बीएसपी गठबंधन से दूर छोटे दलों के साथ गठबंधन कर जमीन मजबूत करे। लिहाजा आने वाले दिनों में कांग्रेस कई छोटे दलों के साथ गठबंधन कर सकती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।